नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अभी जो देखने में आ रहा है, 31 जुलाई से पहले जितने भी लोगों को अपना रिटर्न फाइल करना है दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो है। कैसे आप अपना फॉर्म नंबर 26AS देख सकते हैं, उसके लिए आपको चलना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और वहाँ पर जो है आपको इस तरीके से ये पेज दिखेगा। आपको दोस्तों यहाँ लॉगिन करना होगा, और रजिस्टर यहाँ पर कैसे करते हैं इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी आपको दोस्तों यहाँ से जो है ऑफिशियली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में ये थोड़ा सा वेबसाइट का रिस्पॉन्स स्लो रहेगा, क्योंकि इस पर यूज़र और ट्रैफिक ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, आधार, पैन कार्ड और अदर यूज़र आईडी। तो यहाँ पर जो है मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद जैसे ही हम पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद जो है हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के लिए हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, और हम अब इसको जो है यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये लॉगिन हो चुका है इस पोर्टल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो डैशबोर्ड होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये पर्टिकुलर आपको डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप सेशन टाइम देख सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं, आपको चलना है ई फाइल वाले ऑप्शन पर। ये डैशबोर्ड ई फाइल वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको जाना है। देन आप ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे, फोर्थ वन, व्यू फॉर्म 26AS। दोस्तों होता क्या है, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट ट्रेसेस की वेबसाइट पर, और आप यहां से कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, यहां पर आपको ये एग्रीमेंट यहां पर चेक करना होगा, जिसमें कि आप यहां पर प्रोसीड करेंगे इस वेबसाइट के लिए। और यहां जो लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट, दोस्तों जितना भी आपका टैक्स इम्पोज्ड होता है, और जो भी क्रेडिट आपको, जितना भी TDS वगैरह, पूरा जितना भी आपके पैन कार्ड से रिलेटेड जो एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपको सभी यहां पर देखने मिल जाएंगी। आपको यहां क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, असेसमेंट ईयर हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं, 2022-23, यही हमारा अभी असेसमेंट ईयर है। आप कैसे देखना चाहते हैं, टेक्स्ट, HTML, तो मैं यहाँ HTML कर रहा हूँ, और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF को, और यहाँ से देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने व्यू कर दिया है। आप मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना है, और जैसे ही मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमारा नाम है, फाइनेंशियल ईयर, और ये एड्रेस है। आप साथ ही साथ यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G 15H। ये जब फॉर्म भरा जाता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पर्टिकुलर फॉर्म जब आप कोई डिपॉजिट करते हैं, और कोई फिक्स डिपॉजिट आप अपने बैंक में करते हैं, अगर आपका डिडक्शन अमाउंट जो है TDS के कह सकते हैं सर्कुलर में नहीं आता है, और आपको उस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है 15G 15H। 15H दोस्तों जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए होता है, और उनके अलावा जो भी हैं वो 15G को भरते हैं। ये भरने से दोस्तों आपको इसके ऊपर 10% का जो TDS लगता आ रहा है वो नहीं लगता है, और ये एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो डिटेल देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे बैंक का नाम है, ये डायरेक्टर का 10 है, ये पूरा अमाउंट है। और आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं दोस्तों, सारे सेक्शंस की और सारी चीज़ें जो आपके पैन कार्ड से रिलेटेड होती हैं, वो सभी जो है यहाँ पर आ जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप अगर लास्ट ईयर का देखना चाहते हैं, तो आप 2021-22 कर दें, HTML के फॉर्म में रखें, और व्यू डाउनलोड पर आप क्लिक कर दें। तो ये देखिए, लास्ट ईयर का स्टेटस आ गया है,
यहाँ पर अमाउंट जो है ये अमाउंट चेंज हो गया है, ये लास्ट ईयर का जो हमारा TDS का अमाउंट था और ये कटा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने ये फॉर्म जो है यहाँ पर भर रखा है, इसलिए जो टोटल डिडक्शन है डिपॉजिट्स ये सब आपको यहाँ पर ज़ीरो दिखेंगे। तो दोस्तों ये जो ड्रेसेस की वेबसाइट है यहाँ पर आपको फॉर्म 26A से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है, आप यहाँ से लॉगआउट करें। लॉगआउट करने के बाद आप वापस से अपने लॉगिन सिस्टम पर आ सकते हैं, जहाँ से आपको टैक्स जो रिटर्न होता है वो भी आप फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं और दोस्तों इसका वीडियो मैं बनाऊंगा मोबाइल बेस्ड, मोबाइल से आप कैसे अपना रिटर्न भर सकते हैं, इसलिए मैं ये मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, ताकि हमारे जो भी यूज़र्स हैं जिनके पास सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो मोबाइल से अपना रिटर्न को 31 जुलाई से पहले आसानी से भर सकें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।